गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। मैं एयरपोर्ट पहुंच गया हूं। सो एयरपोर्ट पहुंचे हुए कम से कम आधा घंटा हो गया और अभी बैगेज चेक इन स्टार्ट होने वाला है। करीब करीब आधा घंटा भी है। लाइन देखो मेरे पीछे दिख रही होगी। तो स्टार्ट होने वाला बैगेज चेक इन, उसके बाद जाएंगे इमिग्रेशन के लिए और उसके बाद होगा सिक्योरिटी चेक। तो स्टे ट्यून्ड। गेट नंबर 12 है, मैं गेट नंबर 12 पे जा रहा हूँ। सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया और बिजनेस क्लास का एक्सपीरियंस है कि भाई बैगेज का चेकिंग और सिक्योरिटी चेकिंग बहुत ही फास्ट हुआ है, बहुत ही फास्ट। शायद मुझे 3 मिनट लगे होंगे सिक्योरिटी चेकिंग में। और गेट नंबर 12 पे जा रहा हूँ। बिजनेस लाउंज का एक्सेस मुझे मिल गया है, जो कि होगा दिल्ली एयरपोर्ट का और दोहा एयरपोर्ट का। दिखाते हैं बिजनेस लाउंज। चलो थर्ड फ्लोर पे लाउंज, बिजनेस लाउंज। इस तरह का खाना है, ये रहा खाना है हमारा। ये खाना ले लिया, सैलड ले लिया है, फिग्स ले लिए हैं, ये पिस्टैचियो वगैरह हैं, ये पिए है, और ये है थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, कॉर्न, और ये रहा विदाउट शुगर आलमंड मिल्क, और ये रहा सोया मिल्क, और ये रहा हमारा ठंडा पानी। इसके बाद में पी हुआ है कॉफ़ी। तो यहाँ मैं आ गया, बैठ कर जो खाता हूँ आराम से, और बताता हूँ कैसा है इसका टेस्ट। बिजनेस क्लास जो है ना, कंफर्ट है, कंफर्ट के साथ में खाना पीना है। तो अगर आप खाने पीने के बहुत शौकीन हो तो आपके लिए बिजनेस क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आप मेरी तरह जो खाने के और पीने के शौकीन नहीं है, मतलब पीते भी नहीं है और इतना खाते भी नहीं है, तो आपके लिए बस कम्फर्ट ही कम्फर्ट है सोने होने का। जैसे मुझे बैक में थोड़ी दिक्कत रहती है तो मेरे लिए आराम हो जाएगा। वरना अगर आप खाने पीने वाले बंदे हो भाई, बहुत सारे ऑप्शन हैं। पेल के खा सकते हो, पेल के खा सकते हो, पेल के पी सकते हो, पीना समझ गए ना। कोई हार्ड ड्रिंक्स, हम तो पानी पी रहे हैं। ये सैलड बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, बहुत टेस्टी है। पहले मैंने कभी ऐसे नहीं खाया। अच्छा है, मिलेट के साथ कॉम्बिनेशन है ड्राई फ्रूट्स का। तो मेरा जो फ्लाइट है ना, वो दो कतर एयरवेज में है और अभी दिल्ली टू दोहा में जा रहा हूँ। तो मुझे जो इन्होंने पास दिया था, वो पास दिया था इन्होंने मुझे लाउंज का, और वो था दिल्ली का, और उसमें बोर्डिंग पास के साथ अलग से एक पास था। तो अभी उन्होंने उसको सबमिट कर लिया। तो मुझे याद आया कि अभी जब कतर जाऊँगा तो कतर में मेरा 4 घंटे का लेवर, तो वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी लाउंज यूज़ करने की। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर कतर का खुद का है, इसीलिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पर। वहाँ केवल बोर्डिंग पास दिखा के एंट्री हो जाएगी, और यहाँ पर इन्होंने थर्ड पार्टी का टाइप किया हुआ है, इसीलिए तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मुझे। ये ऊपर देखो पूरी पूरी लेडीज साड़ी का पूरा फ्रेम किया हुआ है। नीचे से देखो, ऊपर देखो पूरी एक ओरिजिनल साड़ी है, उसको शीशे में फ्रेम करके ऊपर डाल के डेकोरेशन की हुई है। कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही मस्त लग रहा है। तो ये रहा मेरा टिकट दिल्ली टू दोहा का, दिल्ली टू दोहा के बाद है दोहा टू बोस्टन, और फिर यहाँ मेरा टिकट है बोस्टन टू मेम्फिस। तब यहाँ 2:40 होने वाला है, मैं लाउंज छोड़ूंगा और सीधे जाऊँगा अपने गेट के पास। और चूँकि 2:40 पर शुरू हो जाएगी बोर्डिंग, तो अभी हो रहा है 2:25। तो मैं फटाफट निकलता हूँ, सबसे पहले पहुँचेंगे गेट के पास और वहाँ देखेंगे बोर्डिंग स्टार्ट हो रही है। वैसे ही यहाँ पर बिजनेस क्लास के लिए प्रायोरिटी बोर्डिंग होगी, तो सबसे पहले जाकर सीट पर बैठ जाएंगे और सीट घेर लेंगे, तो खड़े खड़े जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं। सब कुछ ज़्यादा ही दूर है, गेट बहुत ही दूर है भाई, अब तक आया ही नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। भाग भाग के जा रहा हूँ। 3:40 तो यहीं पर ही हो गया है, मुझे जल्दी निकलना चाहिए था। लास्ट मोमेंट पर ना गेट ही चेंज हो गया, भाग भाग के जाना पड़ रहा है भाई। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, बट फॉर्चुनेटली गेट मिल गया है। गेट नंबर 10 हुआ था,
12 के ऊपर नहीं होते ना तो बहुत दूर जाना पड़ता। तो अब दिल थाम के बैठो, मौका आने वाला है देखने के लिए कि बिजनेस क्लास कैसा होता है। चलो तो नज़ारा ले लिया, कुछ इस तरह की सीट है, अच्छा खासा लेग रूम है, एक ब्लैंकेट दिया गया बढ़िया, आगे बड़ी सी स्क्रीन लगी, पूरा पैर फैला के लेट सकते हो मस्त तरीके से, एकदम लेट के सोते हुए जा सकते हो, लेकिन मैं सोता हुआ नहीं जाऊँगा। Are you familiar with the seat features on this aircraft? I think so, yeah. Just remember the menu card and the wine list are behind you in the bottle of water, and here's the headset. Okay. And you can open the back door. And the headset plug will be. Can you have anything to drink? Or have anything which is non-alcoholic, no sugar. No sugar. Would you like a fresh orange juice? Pineapple? Pineapple, yeah, but it's with sugar. Okay, then orange juice is fine. कतार का जो बिजनेस क्लास है ना मस्त होता है, ये देखो जा रहे हैं, पर हर जगह पर कुछ ना कुछ रखने की जगह बना रखे हैं, और वेट टॉवल्स रखे हुए हैं, और अच्छा लेग रूम है तो मैंने आपको बता ही दिया, और खिलाने पिलाने के लिए बार बार चक्कर काट रहे हैं। ये देखो ये मैडम फिर से आ रही है। अच्छा खासा वेट टॉवल दे दिया, इससे मुंह पोछ के आप यहीं के यहीं फ्रेश हो सकते हो, मस्त एकदम गीला और अच्छा लग रहा है मुंह पोछने के बाद, काफी फ्रेशनेस आ रही है, और एसी की कूलिंग भी मस्त हो रही है, और अपना स्पार्कलिंग वाटर भी आ ही रहा है। मैडम आ रही है, देखो अच्छी खासी है, तो इसे लगाते हैं और मूवी भी कनेक्ट करते हैं, देखते हैं। वैसे एक आध मूवी मेरी लिस्ट में जो मैं देखूंगा, और ये पड़ोस में होता है, इसका जो कनेक्टर होता है ना वैसा देते हैं जिसे कोई घर ना ले जा सके, अगर यूएसबी यूएसबी देते हैं तो कोई घर ही ले जाएगा। चलो मूवी देखते हैं, चलो बढ़िया।
Martin Red Toggles Shark Diamonds. You can also inflate or top up the life jacket by blowing into the mouthpiece. The life jacket has... तो श्री गणेश की कॉफी और कुकी के साथ बिजनेस क्लास का जो वॉशरूम होता है भाई वो बिजनेस क्लास की तरह ही होता है, काफी थोड़ा सा बड़ा होता है, काफी बड़ा नहीं थोड़ा बड़ा होता है, कोट वोट टांगने की जगह होती है। और यहाँ पर देख लीजिए आप, ये अपने आपके मॉइस्चराइजर वगैरह क्रीम वगैरह सब कुछ रखी हुई, गार्गल करने के लिए कप्स वगैरह रखे हैं, टिश्यूज दो तीन तरह के रखे हुए हैं, और हॉट एंड कोल्ड वाटर की व्यवस्था है। और यहाँ पर आपको ब्रशेस और टूथपेस्ट और शेविंग किट मिल जाती है, तो अगर आप फ्रेश होना चाहें और शेव करना चाहें, ब्रश करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि भैया लॉन्ग फ्लाइट्स होती हैं ये, तो कुछ इस तरह का है वॉशरूम अपना। और चलो चलते हैं बाहर की तरफ और थोड़ा सा फ्रेश फ्रेशनर, रोज़ वाटर तो बनता है भाई मुँह पर फ्रेशनेस के लिए, बढ़िया। यार देखा आपने सब कुछ होगा, ये बढ़िया तरह 3D मैप अपना देख लो, धरती कौन से कोने से उड़ के कौन से कोने में जा रहे हो, किस जगह फ्लाइट है, कितनी रफ्तार से चल रही है, किस किस देश के ऊपर से होते हुए जा रहे हो, मैप में पूरा का पूरा व्यू मस्त आ जाता है। तो आपको बैठे बैठे बाहर हाथ निकाल के किसी से रास्ते पूछने की जरूरत नहीं, भैया कहाँ पहुंचे, खुद ही अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो भाई कहाँ पहुंचे। तो एक बढ़िया अच्छा एक्सपीरियंस है, कैमरा भी लगे होते हैं जो आप इधर देख सकते हो, बट क्योंकि मेरी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है सारा तो अंधेरा है तो कैमरा ऑन करने का कोई फायदा है नहीं, तो बढ़िया इसमें व्यू देख लेते हैं। और आप भी देख लो कहाँ से निकले हैं, कहाँ को जा रहे हैं। खाने पीने की शुरुआत हो चुकी है, क्या डिश मंगाई है क्या नहीं, पनीर की डिश है देख लो, बस देख के ही मजे ले लो। मूवी देखते देखते बढ़िया खाना खाओ और एंजॉय करो, अगर खाने पीने के शौकीन हो। मैं तो भी थोड़ा सा ये खा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बार बार लाएंगे, थोड़ी सी पेट में जगह रखनी है। वैसे तेल देने खिला खिला अभी ले आए इडली सांभर और डोसा, पूरा तो नहीं खा पाऊंगा, थोड़ा थोड़ा टेस्ट जरूर करूंगा, लेकिन कैसा टेस्ट है वो टेस्ट नहीं ऑथेंटिक होता है, बट ठीक ही इन्होंने बनाने की कोशिश करी है, अच्छा लग रहा है तो खाते हैं। अभी 4 घंटे की मस्त फ्लाइट के बाद हम पहुंच चुके हैं दोहा कतर के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और टेडी बेयर को तो आपने बहुत ज़्यादा वीडियोस में देखा ही होगा, मेरे पुराने वीडियोस में भी देखा होगा, और अब मौका है थोड़ा सा यहाँ पर घूमने का, और उसके बाद जाएंगे बिजनेस लाउंज में और करेंगे वहाँ पर जाके रेस्ट। सफ़र बहुत लंबा है क्योंकि जा रहे हैं US, बहुत लंबा सफ़र है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता हम आए दोहा कतर और हम ना जाएं एप्पल के शोरूम पर। तो यहाँ पर एप्पल का जो कियोस्क लगा मैं यहाँ आ गया, मुझे एयरपोर्ट 2 सेकेंड जनरेशन के रेट पता करने थे, यहाँ $262 का, US में $189 का, मतलब वहाँ सस्ता मिलेगा यहाँ महंगा है। और अल्ट्रा वॉच 2 भी यहाँ पर महंगी है और वहाँ पर सस्ती है, तो वहीं जाके प्राइस देखेंगे दोनों चीज़ों के। यहाँ पर तो महंगा मिल रहा है, यहीं से मैंने फ़ोन खरीदा था अगर आपको याद हो, अगर अपने पुराना ब्लॉग देखा हो तो, बट आज मुझे प्राइसेज यहाँ के ज़्यादा ही लग रहे हैं, जबकि यहाँ पर टैक्सेस नहीं होते बता दूँ आपको। This one is going to be 474. 474 per se. With GPS. GPS. With GPS. How much is? अब पहले अपना गेट चेक करूँगा C8, उसके बाद जाऊँगा बिजनेस लाउंज जो कि यहाँ नियर बाय होगा। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, कॉफ़ी लेंगे और फ्रेश होके, उसके बाद फिर फ्लाइट बोर्ड करेंगे। ज़्यादा दूर नहीं जा सकता क्योंकि ये वाला गेट जो है वो बहुत ही दूर है, तो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, इसलिए पास वाले बिजनेस लाउंज जाएंगे।
हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट यार देखने लायक है, बहुत ही सुंदर बनाया है और जगह जगह इन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा लगा रखा है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। दुनिया भर की पॉपुलेशन यहाँ आ रही है इस एयरपोर्ट पे। कतर एयरवेज का मेन हब है तो उस हिसाब से उन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है। खुद ही देख लो भाई कितना शानदार है, कितनी ज़्यादा क्राउडेड है। Thank you. Second floor, please. भाई साहब ये है कतार का एक बिजनेस लाउंज और बहुत ही सेकंड फ्लोर बना हुआ है, बहुत ही मस्त बना हुआ है, बहुत ही बड़ा बना हुआ है। सारी सीट्स के साथ पे जो साइड की जगह है वहाँ पर वायरलेस चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है और इतना बड़ा लाउंज होने के बाद भी यहाँ पर सीट्स ज़्यादातर ऑक्यूपाइड ही हैं और पूरा यहाँ पर वॉशरूम्स तो अच्छे हैं ही, यहाँ पर बाथरूम भी अगर आप चाहो तो यहाँ शावर भी ले सकते हो। शावर रूम्स बने हुए जिसके लिए लाइन लगी हुई, अगर आप देख रहे हो सामने की तरफ लेफ्ट में लाइन लगी हुई, लोग शावर ले रहे हो। यहाँ पर कॉफ़ी और दूसरे ऑप्शंस हैं ब्रेकफास्ट के। Can you suggest me something that is veg, not even without egg? Vegetables, right? Anything, and anything in breakfast that is without egg? If you want some breakfast, sir, with the veggie. That side, the dining? Yes, sir, where the main dining is located. तो यार ढूंढ के मैंने ये ओट्स और ये फ्रूट्स निकाल लिए अपने नाश्ता खा लेते हैं इसको बड़ा। बहुत ही औसम है यार, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, थोड़ा सा घूमने का टाइम मिल रहा है। सो आई एम जस्ट टेकिंग अ वॉक अराउंड। अब मेरा गेट है यहाँ से कम 500 meters, मैं गेट की तरफ जाता हूँ। एक काम किया बता देता हूँ, अगर आप 15 प्रो लेने की सोच रहे हो और आप व्लॉगिंग करते हो तो नहीं लेना, इसकी बैटरी बैकअप बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, शुरू से ही ख़राब है बैटरी बैकअप, बहुत जल्दी बैटरी इसकी ड्रेन आउट हो रही है। इतने झुके झुके ना ग्रेविटी की वजह से नाक भी खींच के इसकी देखो आगे की तरफ आ गई है। कतार का वर्ल्ड फेमस बिजनेस क्लास क्यू सुइट और इसमें कुशन, ब्लैंकेट, पजामा, टी शर्ट सब कुछ मिलता है आपको। बहुत बढ़िया है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है और देखो साथ में एक किट भी मिली जिसमें मॉइस्चराइज़र, क्रीम, मास्क, ये फेस पैक सब कुछ आपको मिलेगा। इसमें कई तरह की चीज़ें लगी हुई हैं, यहाँ पर स्क्रीन वगैरह लगी हुई है, सब कुछ है, पूरा जहाँ में लेग स्पेस बढ़िया, एकदम लेट जाओ, सो जाओ, कुछ भी करो यहाँ पर। बस मुझे एक ही चीज़ साला यहाँ इरिटेटिंग लगती है और वो इनका इरिटेटिंग म्यूज़िक। अबे म्यूज़िक चेंज कर लो अपना यार, दिमाग ख़राब हो गया सुन सुन के। मुझे इनका म्यूज़िक बिल्कुल पसंद नहीं है, डोंट माइंड। सीट अच्छी है, बढ़िया, म्यूज़िक अच्छा नहीं लग रहा है। Thank you.
शर्ट इसके अंदर रखी हुई है, पानी की बॉटल साथ में रखे हुए, नीचे स्लीपर्स और ये सीट्स के जो कंट्रोल है सारे के सारे कंट्रोल है, लेट जाओ या बैठ जाओ, और ये टेबल है जिसको आप इस प्रकार खाना खा सकते हो, और ये रिमोट दिया हुआ ताकि पीछे होकर आप आराम से अपने टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। और केबिन है ये पूरा बिजनेस की सुविधा, इसमें पूरा का पूरा डोर क्लोज हो जाता है, एनक्लोज एरिया में आप बैठते हैं, और ये मिली हुई है किट। इस किट को खोल के देखते हैं भाई क्या मिला। सबसे पहली बात तो ये किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, उसका नाम नहीं लिखा, उसके ऊपर ये लेदर का पूरा का पूरा पाउच दिया हुआ है, लॉक किया हुआ है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मिली हुई हैं। और देखते हैं अगर जगह आइटम मिले हुए हैं, कुछ चीज़ ऐसी जिनको मैं समझ पा रहा हूँ, कुछ चीज़ ऐसी जिनको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या आइटम अच्छा है। बाद में देखा जाए, मैंने देखा कि लोगों ने उसको अपने पहले ही अपने चेक इन बैगेज में रख लिया, कोई इसको छोड़ के जाना नहीं चाहता, भाई महंगी सीट है, महंगा सब कुछ सामान है, तो कोई इसको छोड़ क्यों जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 7 ईयर हो जाता है आप कभी ऐसे ट्रैवल करते हैं, इसको रख लीजिए, यूज़ करें ना करें, यादगार हो जाती है कभी आपने ट्रैवल किया और आपको सब चीज़ें मिली। तो मैं भी शायद अगर जगह मिली या तो रख लूँ मैं इसको, और अगर यूज़ किया तो ये यूज़ करके इसको यहीं छोड़ दिया जाएगा। तो अब थोड़ा सीट के कंट्रोल को टेस्ट किया जाए और देखा जाए भाई कैसा है, और एक मूवी भी सेलेक्ट की जाए मूवी कुछ तरह से। सारे के सारे सीट कंट्रोल है, एक एक करके देख लो, अब आगे करने का, पीछे करने का, इंक्लाइन करने का पूरा लेट के ये बेड बन जाता है। और ये बेडिंग भी आपके ले आते हैं, जो कि मैंने इनको पहले ही मना कर दिया, मुझे कोई बेडिंग नहीं चाहिए क्योंकि मैं शायद नहीं सोऊंगा। हालांकि फ्लाइट 15 घंटे की है लेकिन मैं नहीं सोऊंगा, सोया तो 1-2 घंटा सोऊंगा, मुझे पता है कि मेरा सोने का टाइम नहीं है, मैं नहीं सो पाऊंगा, और यहाँ सो गया तो फिर जेट लैग की प्रॉब्लम होने लगेगी, इसलिए मुझे जगता रहना है। तो ये देख लो सारा का सारा कंट्रोल है, मस्त है। और इसके साथ ही आ गई पहली मील, खास फूस साथ में कुछ पकौड़ा जैसा विदाउट फ्राई किया हुआ, और साथ में वर्जिन ऑलिव ऑयल और एक नकली मोमबत्ती के साथ स्पार्कलिंग वाटर, सारा का सारा नकली टशन। अपने को पसंद नहीं है बट क्या करें, फ्लाइट में ये कुछ खाने को मिलेगा, हमें तरफ रहे दाल चावल मिल जाए मजा आ जाए। और खाते हैं ये पत्ते और देखते हैं कैसे हैं, मुझे मालूम अच्छे नहीं मैंने, और मन नहीं कर रहा खाने के लिए, क्या करें, चलो यही खा के देखते हैं। एक और नायाब डिश इन्होंने लाके रख दी है, पता नहीं क्या नाम है उसका, लेकिन वेज है, पत्ते ज़्यादा हैं, खा लेते हैं इसको भी और टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। भाई देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये खाने में भी अच्छा हो तो बस लाइफ सेट हो जाए। वेज है ये, मैं 4 बार इनसे कंफर्म कर लिया, तो मैंने उन्होंने मेरे पास रख दिया था, मैंने काफ़ी डिस्कशन करने के बाद ये मंगाया। अभी अभी जरा दोहा से फ्लाइट बिल्कुल अभी अभी शुरू हुई है, देख लो ये रहा दोहा, भारत से हम आ रहे हैं, जरा दोहा से बिल्कुल अभी अभी फ्लाइट शुरू हुई, क्या होगा, टच स्क्रीन की चल रही भाई इसकी, चलेगी, आदत नहीं है ना, चलेगी, पूरी धरती घुमा दी मैंने एक ही झटके में। और देखो भाई कितनी दूर जाना है, सारे के सारे सागर पार करते हुए कहते हैं ना, 7 समंदर पार, तो ये अपना डेस्टिनेशन दोहा से बॉस्टन US। तो भाई दोहा से बॉस्टन US में लाइटें जल रही हैं, अंधेरा दिखाई दे रहा है, यहाँ रोशनी है अभी, तो दिन है यहाँ पर। जैसा मैंने कहा था, मैंने 1-2 घंटे की नींद पूरी करी है ऐसे ही लेट के, और उसके बाद मैंने मंगा ली एक कॉफ़ी विदाउट शुगर, साथ में कुछ कुकीज़, ये कुकीज़ बहुत ही मस्त लगी मेरे को। और ये आप लाइट देख रहे हो ना, मैंने अंदर लाइट जलाई हुई है, और पूरे के पूरे प्लेन में अंधेरा हो गया, जबकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, यहाँ दिन है, सभी लोग सो रहे हैं, इसीलिए मैं नहीं सो रहा हूँ, तो मैंने ये लाइट अपने रूम केबिन में जला ली। रूम खाने पीने का तो भैया लाइन लगा रखी है इन्होंने, और मैंने इस बार देख के मंगाया है अपने हिसाब से कि क्या चीज़ मुझे खानी, क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया है, 15 घंटे की फ्लाइट में 7 घंटे निकल चुके हैं, और अभी भी समझ लो कि 8-8.5 घंटे की फ्लाइट बची हुई है। टीवी चल रहा है, मस्त मूवी लगा रखी है, मूवी देख रहा हूँ मैं, एक मूवी मेरी पूरी छूट गई थी डंकी, वो मैं यहाँ पूरी की पूरी देख रहा हूँ, और वही चोचला अपना स्पार्कलिंग वाटर आ चुका है, नकली मोमबत्ती जल रही है, तो फील पूरा का पूरा है, इंजॉय करने वाले इंजॉय करेंगे, ना करने वाले फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे जैसे कि मैं हो रहा हूँ। तो खाने का पास का व्यू दिखा देता हूँ, गोभी की सब्जी के साथ कुछ है, ये गोभी और राइस है, देखने में आप कह रहे हो गोभी राइस है, गोभी पकौड़ा है, लेकिन ये गोभी राइस है, और साथ में उसके कुछ बना रखा है ऑरेंज जूस, और ये वाटर आ गया है। तो देखो यार यही है पूरा, बाप रे कितने तेज है, अब टर्बुलेंस शुरू हो गया है। तो एक और उन्होंने बोला कि एक और ऑप्शन आपको देते हैं बहुत ही हेल्दी, क्योंकि आप बार बार हेल्दी चीजें मांग रहे हो, तो ये मेरे लिए ले आई है ये कुछ अपना डिश, मैं आपको बताता हूँ। वैसे ये ओट्स हैं जो कि विदाउट शुगर हैं और फ्रूट्स के साथ है, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे खाने में, जैसे उसने बताया था मुझे वैसे ही लगा, हेल्दी ऑप्शन लगा, तो फ्रूट्स के साथ काफ़ी अच्छे लग रहे थे, कुछ ब्रेड्स थी, तो ये इसका टेस्ट तो मुझे काफ़ी अच्छा है, शुगर नहीं थी इसके अंदर, अपना दलिया है नॉर्मल, लेकिन बनाया इसको अच्छी तरीके से गया, कुछ अंग्रेजों वाला नाम दे दिया गया है। और बहुत ध्यान रख रहे हैं, बार बार आके पूछ रहे हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और हम कुछ खाएंगे, खिला खिला के पेल दिए। इसके साथ ही भाई साहब US के आसमान में हमारी एंट्री हो चुकी है, हम पहुंच चुके हैं US बॉस्टन के आसमान में,
और है उतरने में लैंड करने में हमें कम से कम 15 से 20 मिनट, और ये पहला दर्शन आपको कराते हैं यूएस का, बॉस्टन का पूरा समुद्र है यहाँ पर, हो रही है बोटिंग, काफी अच्छा लग रहा है। बाहर का मौसम बता रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा है, लेकिन अंदर तो पता नहीं चल रही है अभी, लेकिन यहाँ पर अब दिन निकला हुआ हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में प्यारे, रात हो गई होगी इस समय तक। 15 घंटे की जर्नी के बाद दोहा से, इंडिया से दोहा में जो 4 घंटे, उसके बाद यहाँ 15 घंटे और 8 घंटे का ले ओवर, तो टोटल लगा लेना, कैलकुलेट कर लेना प्लस माइनस करके। फिलहाल ये नजारा देखिए कितना बढ़िया है, समुद्र है और बोटिंग हो रही है, और आज सैटरडे का दिन है, तो सैटरडे का दिन है इसका मतलब लोग बोट लेके निकल पड़े हैं, और यूएस में लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं वीकेंड्स में, देखेंगे और देखो कितनी सारी बोट्स हैं समुद्र में, काफी हाइट पर है इस समय, इसीलिए इतना छोटे छोटे दिखाई दे रहा है, लेकिन नजारा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये फीलिंग भी अच्छी है कि यूएस पहुंच गए, इसलिए नहीं कि यूएस पहुंच गए, फीलिंग इसीलिए अच्छी है कि बहुत ज्यादा थक गया हूं मैं सच में, और ऐसा लग रहा है किसी तरह अपने होटल पहुंचे, लेकिन अभी होटल पहुंचने में टाइम है, क्योंकि दिल्ली से दोहा, दोहा से बॉस्टन, और बॉस्टन से मुझे जाना है अब मेम्फिस, और मेरी फ्लाइट हो गई है लेट, ये फ्लाइट मेरी लेट होगी, मेरे पास मुश्किल से है अब 1.5 घंटे का समय यहां से लगेज लेकर चेक इन करना है, चेक इन करने के बाद दूसरी फ्लाइट में लोड करना है जो कि अमेरिकन एयरलाइंस की, उसका मुझे निकलना है मेम्फिस, तो अब लैंड करते हैं, लैंडिंग को थोड़ा सा इंजॉय करते हैं, लेकिन चिंता दिमाग में है कहीं वो फ्लाइट ना छूट जाए, क्योंकि मुझे उतर के भागदौड़ करनी है, मुझे पता नहीं है इस एयरपोर्ट पे कितनी दूर चेक इन चेकआउट जो भी कुछ करना है करना होगा, लेकिन यार पानी देख के थोड़ा सा हालत खराब हो रही है, पूरा समुद्री समुद्र है भाई ये, तो पूरा एयरपोर्ट घिरा हुआ, चलो एंजॉय करो लैंडिंग को, फिर बात करते हैं थोड़ी देर में। फाइनली पहुंच गया बॉस्टन, और अब बोर्डिंग करने जा रहा हूं मेम्फिस के लिए, तो अभी मैं बॉस्टन में अब जा रहा हूं टेनेसी, वहां पर जाना है मेम्फिस, शाम तक पहुंचूंगा, अभी बज रहा है 4:45, ऑलमोस्ट 5 बज रहा है, और इंडिया का टाइम हो रहा है रात के 2, चलो मेम्फिस पहुंच के बात करते हैं। तो भाई ये हमारे अमेरिकन एयरलाइन की बिजनेस क्लास सीट, क्या है तमाशा है भाई, ऐसा लग रहा है पुराना सा हवाई जहाज है, इसी में जाना, यही लेके जाएगा हमको हमारी मंजिल तक। तो भाई स्वागत है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, फाइनली 21-22 घंटे की फ्लाइट्स के बाद फाइनली पहुंच गया मैं जिस डेस्टिनेशन पर आना था, यूएस। तो मैं एयरपोर्ट पे हूँ मेम्फिस, बॉस्टन से अभी अभी यहाँ लैंड किया है, अब बस कैब का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद निकलूँगा होटल। वैसे कैब बुक कर दिया, बोलो तो 31 मिनट लगेंगे, लेकिन 3 मिनट में कैब आ जाएगी। ये रात का 8 बज रहा है, देख रहे हो 8 बज रहा है, और माहौल देखना ज़रा, दिन निकला हुआ है, ये देखो दिन निकला हुआ है सब तरफ, और हमारे यहाँ रात को 8 बजे एकदम अंधेरा हो जाता है, और यहाँ 8 बजे दिन निकला हुआ है। अब क्या है भाई, यार जाएंगे, बहुत ज़्यादा थकावट होगी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होगी, तो आवाज़ भी नहीं निकल रही है। And how far this Best Buy from this place, residency in? It's too far from me. Maybe they need, it was over like 20 minutes. Oh, 20, okay. 25 minutes, yes. And there is no public transport? No. In this state, especially the area you go, no. Because it's a very nice area, that one. They don't use it to public transportation. And today is a weekend. If they have it, फिर फाइनली पहुंच गए हैं यूएस, और ये है हमारा छोटा सा सर्विस अपार्टमेंट, इसका टूर अलग से कराऊंगा, पहले मैं फटाफट फ्रेश हो जाता हूँ, हाथ मुंह धो लेता हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। देखो रात का बज रहा है 9, और मैं चला था फ्राइडे की रात में सुबह 3:30 बजे, मतलब इंडिया के
यहाँ के नहीं, यहाँ हो गया सैटरडे का रात का 9 बज रहा है, तो कम से कम 32 घंटे की फ़्लाइट हुई है, मतलब 32 घंटे का टोटल सफ़र रहा है जिसमें ऑलमोस्ट 22 आवर्स की फ़्लाइट थी और बाकी टाइम का लेओवर था। तो पूरी सीरीज़ देखते रहिएगा, मैं यहाँ काफ़ी दिन के लिए हूँ, अभी एक डेढ़ महीने के लिए, पूरी सीरीज़ देखिएगा। काम के लिए आया हूँ, ऑफिस से काम के लिए घूमने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन दिखाऊंगा पूरा पूरा, बिल्कुल यूरोप से अलग है, अलग हिसाब किताब है, और हर इंडियन का सपना होता है तो आपको पता ही है। तो जरूर देखते रहिएगा पूरी सीरीज़, दिखाते हैं आपको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल ही नए ब्लॉग में, रखिए अपना ध्यान, टेक केयर, बाय।